कहानी शुरू होती है 1995 में, जहां हम डिप्टी कलेक्टर रामाराव को कुछ गुंडों को पीटते हुए देखते हैं। पता चलता है कि सरकार से किसानों की कुछ डिमांड के चलते वहां दंगा हो रहा है। कलेक्टर खुद किसानों को संभालने का कह के रामाराव को घर भेजता है। उस झमेले के चलते रामाराव पे 13 केस दर्ज होते हैं, पर वो सारे केसेस को फॉल्स बताते हुए कोर्ट रामाराव को रिहा कर देती है। रामाराव की फैमिली में एक बेटा और उसकी वाइफ नंदिनी होती है। फिर एक दिन नंदिनी के मामा और मामी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो 2 दिन के लिए उनके घर रहने के लिए आते हैं, तो रामाराव उन्हें अपने ही घर में रहने के लिए कहता है। इसके बाद कलेक्टर रामाराव से मिलने आता है और पता चलता है कि वो दंगा रामाराव ने किसानों के साथ मिलकर प्लान करके करवाया था सरकार से किसानों की मांग पूरी करवाने के लिए। पर उसी बीच MLA के कुछ आदमियों ने उन पे सच में हमला करके किसानों को मारना शुरू कर दिया था, जिस कारण रामाराव ने उन्हें पीटा था। कुछ साल बीत जाती है और रामाराव के ट्रांसफर चित्तौड़ अपने गांव में होता है। बेटे के आने की खुशी में रामा का फादर प्रसाद राव घर में दावत रखते हैं। इसके बाद फेस्टिवल का दिन आता है और रामा कुछ पुलिस वालों को लोकल बॉयज को तंग करते हुए देख के उनके पास जाता है और पूछने पर वो बॉयज बताते हैं कि पुलिस उन्हें अपना खाना पकाने के लिए जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते। तो रामा, जो कि वहां के डिप्टी कलेक्टर है, उन पुलिस वालों को भगा देता है। फिर वो पुलिस वाले वहाँ के CI जमी मुरली को जाकर ये बताते हैं, तो CI रामा को एक आम ऑफिसर समझ के धमकाने लगता है। पर जब उसे पता चलता है कि रामा वहाँ का डिप्टी कलेक्टर है तो चुप हो जाता है और रामा उसे अपनी ऑफिस आकर जवाब देने का कहता है। अगले दिन रामा ऑफिस ज्वाइन करता है और सारे स्टाफ्स को अपना काम करने का ढंग बताते हुए रिश्वत लेना बंद करने का ऑर्डर देता है, जिससे वहाँ के कुछ स्टाफ रामा का फैन बन जाते हैं। इसके बाद हम जमी को अपने कुछ लोगों के साथ किसी इलीगल माल के गायब होने के बारे में बात करते हुए सुनते हैं और वो उन्हें माल जल्दी ढूंढने का ऑर्डर देता है। इसके बाद एक दिन ऑफिस पहुंचने पर रामा को पता चलता है कि मालिनी नाम की एक लड़की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराना चाहती है, पर वो लोग उसका काम रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो उनके ऑफिस में बार बार चिट्ठी भेजती रहती है। रामा उन चिट्ठी को लेकर मालिनी के घर जाता है और पता चलता है कि मालिनी रामा की एक्स गर्लफ्रेंड है। मालिनी बताती है कि उसकी हस्बैंड सुरेंद्र काम के लिए अलग अलग जगह पर जाता था और फिर एक दिन वापिस नहीं आया। उसे ढूंढने के लिए मालिनी के ससुर गए थे और एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, इसलिए मालिनी अकेले उस घर में अपनी बेटी के साथ रहती है। लोगों की उधार चुकाने के लिए वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती है, पर कोर्ट, पुलिस स्टेशन, लॉयर, कलेक्टर ऑफिस, कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिल रहा, तो रामा उसका काम हो जाएगा कह के वहाँ से चला जाता है। यह मालिनी रामा के साथ बिताई हुई अपनी पुरानी बातें याद करती है। वो रामा को स्कूल में मिली थी और उसका बातें करने का तरीका, नजरिया, इन सबसे इम्प्रेस होके मालिनी उसे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और एक दूसरे को प्यार करने लगे। फिर एक दिन रामा को गवर्नमेंट जॉब मिली तो वो 3 महीने के लिए दिल्ली ट्रेनिंग के लिए चला गया था। वापिस लौट के अपने फादर से रामा को पता चला कि मालिनी की शादी हो चुकी है, तो वो मालिनी से मिलने जाता है और वो बताती है कि अपने फादर की खुशियों के खातिर उसने उनके पसंद के लड़के से शादी कर ली है। यह सुन के रामा वहाँ से चला जाता है और अपने फादर की पसंद की हुई लड़की नंदिनी से शादी कर लेता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। रामा अपने फादर के साथ मालिनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि गुमनाम लोगों के केस में प्रॉपर्टी लापता होने की 7 साल बाद ही ट्रांसफर हो सकती है और मालिनी के हस्बैंड को लापता हुए अभी 7 साल नहीं हुआ है, तो रामा उसे मदद करने का दूसरा रास्ता सोचने लगता है। इसके बाद रामा मालिनी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और सब डिविजन मजिस्ट्रेट होने के नाते CI जमी से मालिनी के हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेन के बारे में पूछता है। पता चलता है कि पुलिस ने अब तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो जमी के साथ रामा की बहस हो जाती है और रामा उसे जल्दी एक्शन लेने का धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। फिर रामा मालिनी के घर पहुंच के फोटो एल्बम से मालिनी के हस्बैंड सुरेंद्र का दोस्त वर्मा का फोटो निकालता है, क्योंकि लास्ट टाइम सुरेंद्र बिजनेस के लिए वर्मा के पास गया था और तब से वापस नहीं आया। फिर रामा वर्मा के घर आंध्र प्रदेश जाता है और वर्मा के फादर से पता चलता है कि वो बहुत साल पहले दुबई गया था, तब से वापस नहीं आया। इसके अलावा वर्मा के फादर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो रामा समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। रामा छुपके उनके गैरेज में जाता है, जहाँ उसे एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिलता है जो कि वर्मा का था।
वहाँ के एक चेक पोस्ट से उसका कुछ डिटेल्स निकालता है और एक आदमी बताता है कि उनके डिटेल्स के मुताबिक पिछले साल मई में 10 से 15 कंटेनर्स उस रूट से गए हैं और हर एक कंटेनर में अजीब सा निशान बना हुआ था। घर वापस आने के बाद रामा को उसकी फैमिली इस एक इंसान सुरेंद्र जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के हस्बैंड है उसके केस के पीछे पड़े रहने के लिए मना करते हैं क्योंकि लोग खराब सोचेंगे। तो रामा उन्हें बताता है कि वो बस सुरेंद्र के लिए नहीं बल्कि उसके केस में घुसने के बाद उसे टोटल 20 लोगों के गायब होने का पता चला है। वो सब लोग उसी गाँव से है और चंदन की स्मगलिंग के कारण ये सब गायब हुए हैं ऐसा खबर है उसके पास। फिर रामा अपना इकट्ठा किया हुआ इन्फॉर्मेशन जमी को देने जाता है और इस केस को देखने के लिए कहता है, पर जमी खुद भी इस स्मगलिंग में जुड़ा हुआ होता है। वहाँ से वापस जाते टाइम रामा की गाड़ी एक बस से टकरा जाती है और रामा की पैर में चोट लग जाती है। वो बस खाई में लटक जाता है तो रामा एक ट्रक बुला के उन सबको रेस्क्यू करता है। वहाँ जमी आता है और उल्टा रामा के खिलाफ केस ठोक देता है कि वो एक्सीडेंट रामा की वजह से हुआ है, इसलिए रामा को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसलिए रामा अपने दोस्तों को बुला के मिसिंग लोगों के बारे में बताता है और उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करता है। पहले जब रामा शेषाचलम फॉरेस्ट तिरुपति गया था वहाँ से उसे पता चला था कि इस पूरे लाल चंदन स्मगलिंग नेटवर्क में 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट मजदूर जो जंगल से लाल चंदन काटते हैं, सेकेंड लोडर्स जो कि खुफिया तरीके से माल पहुँचाते हैं, थर्ड कीपर्स जो चंदन छुपा के रखते हैं, फोर्थ ट्रांसपोर्टर्स जो सीक्रेट लोकेशन से माल को पोर्ट तक लेकर जाते हैं, फिफ्थ वो लोग जो लाल चंदन को ग्रेनाइट या फिर अलग माल के नाम से सप्लाई करते हैं और इन सब का एक हेड उनका डॉन ये सब चलाता है। लास्ट टाइम ट्रांसपोर्ट के लोग जो 10 कंटेनर्स को लेकर गए थे वही लोग माल के साथ गायब है, इसलिए उनके साथ साथ डॉन भी उन लोगों को ढूंढ रहा है। सुरेंद्र का दोस्त वर्मा भी एक ट्रांसपोर्टर था और सुरेंद्र उसके साथ गया था, इसलिए वो दोनों भी गायब है। इसके बाद रामा केस के लिए ट्रेन से बैंगलोर जाने निकलता है और ट्रेन में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है और इस दौरान एक आदमी का मास्क हट जाता है तो पता चलता है कि वो रामा के घर काम करने वाला अनंत है। डर के मारे अनंत ट्रेन की गेट पर खड़ा हो जाता है और खम्भे से टकरा के ट्रेन से गिर के मारा जाता है। उसके घर वाले रामा को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि लास्ट टाइम अनंत ने ही रामा को स्टेशन पहुंचाया था, उसके साथ था। इस घटना के बाद रामा के घर वाले और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो रामा उन्हें समझाता है कि बस कुछ दिनों में वो सब ठीक कर देगा। अगले दिन वर्मा के फादर रामा के घर अपनी पोती और बहू के साथ आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने झूठ बोला था कि वर्मा दुबई गया है, सच तो यह है कि वो कहीं गायब हो गया है, इसलिए उसे ढूंढने में वो रामा की मदद मांगते हैं। वर्मा की बेटी रामा को एक डायरी देती है जिसमें कुछ हिसाब लिखा हुआ होता है। रामा को पता चल जाता है कि वो उनके माल का कोड नंबर है। फिर वर्मा के फादर बताते हैं कि एक दिन सुरेंद्र वर्मा से पैसे उधार मांगने के लिए उनके घर आया था और जब उसे पता चला था कि वर्मा स्मगलिंग करके पैसे कमाता है तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया था और उल्टा उसको ये सब इल्लीगल काम छोड़ देने के लिए समझाया था। तो वर्मा अपनी फैमिली के खातिर मान गया था और एक आखिरी बार माल ट्रांसपोर्ट करके स्मगलिंग छोड़ देने का सोचा था। उनकी ये सारी बातें वर्मा की फादर ने चुपके सुन लिया था। वर्मा का वो आखिरी काम के टाइम कंटेनर्स को सुरेंद्र के गांव से पास करना होता था, इसलिए उस दिन सुरेंद्र को रास्ते में उसके घर छोड़ देने के लिए वर्मा उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गया था और दोनों साथ में गायब हो गए। इसके बाद रामा उसी स्टेशन जाता है जहाँ बैंगलोर जाते टाइम आनंद ने छोड़ने आया था उसे और उसे वहाँ एक टेलीफोन बूथ नजर आती है। रामा को पता था कि उसे छोड़ने के बाद आनंद ने अपने टीम को उसके बारे में फोन करके बताया था, इसलिए वो बूथ में जाकर लास्ट 13 तारीख का कॉल रिकॉर्ड निकालता है। फिर अपनी फ्रेंड को उनमें से कुछ नंबर्स की डिटेल्स निकालने के लिए कहता है और खुद जाता है कुछ चेक पोस्ट में गाड़ी की एंट्री चेक करने के लिए। वो सारे कंटेनर्स को बैंगलोर जाना था पर पता चलता है कि वहाँ किसी ने जानबूझ के गलत एंट्री डाला है कि सारे कंटेनर्स बैंगलोर पहुँच गए हैं, पर कंटेनर से बैंगलोर से पहले गट्टू नाम का एक चेक पोस्ट पार ही नहीं किया था। फोन नंबर की डिटेल से पता चलता है कि उनमें से एक नंबर वहाँ की एक गेस्ट हाउस की है जहाँ रहता है एसपी। तो अपनी फ्रेंड की मदद से रामा उस नंबर को ट्रैक करके उस आदमी का कॉल रिकॉर्ड सुनता है जो कि मिसिंग माल के बारे में किसी से बात कर रहा होता है। इसके बाद जमी रामा की मदद करता है और उसे अपना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देता है क्योंकि उसे अपनी मिसिंग माल चाहिए होता है। अगर रामा केस सॉल्व कर लेगा तो जमी को भी उसका मिसिंग माल मिल जाएगा, इसलिए वो रामा को मदद करता है।
साथ में ये भी बताता है कि वहाँ का एसपी देवानंद इसी केस में शामिल है। फिर रामा एसपी के खिलाफ सारा प्रूफ निकाल के सीएम का सेक्रेटरी वही पुराना कलेक्टर को कॉल करके उसके खिलाफ इंक्वायरी करने का रिक्वेस्ट करता है, पर देवानंद को पता चल जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसके बाद हम जंगल के अंदर मजदूर लोगों को लाल चंदन के पेड़ काटते हुए देखते हैं कि तभी देवानंद अपनी टीम के साथ आकर उन सबको गोलियों से भून देता है। न्यूज में बताया जाता है कि लाल चंदन चोरी करने वाले को एसपी ने चुन चुन के मारा है, पर रामा को देवानंद पे शक होता है कि ये सब उसका प्लान है, इसलिए वो कलेक्टर को सीएम के साथ बात करके देवानंद को पकड़ने का कुछ करने का कहता है। अगले दिन सुबह रामा के फादर की डेथ हो जाती है, सबको लगता है कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। इसके बाद एक दिन रामा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाता है, वहाँ उसे अपना एक पुराना फ्रेंड मिलता है और तभी उनपे कुछ लोग हमला कर देते हैं। बाकी सबको वहाँ से भेज के रामा अकेला उन लोगों का सामना करता है और उनकी अच्छे से पिटाई करता है। तभी उसे वहाँ एक बुजुर्ग आदमी मिलता है और वो रामा को बताते हैं कि इस लाल चंदन की स्मगलिंग में उनका खुद का बेटा भी गायब है, इसलिए एक दिन वो अपने बेटे की खोज में जंगल के अंदर गए थे जहाँ उन्होंने देवानंद को कुछ लोगों को मारते हुए और ट्रक्स को दफनाते हुए देखा था। इन सारी इन्फॉर्मेशन से फाइनली रामा को इस केस का सारा डिटेल्स पता चल जाता है और वो कलेक्टर से मिलके बताता है कि असल में उन सारे मिसिंग लोगों को एक किलर ग्रुप ने मार दिया है। उस किलर ग्रुप का एक मेंबर था आनंद, जो कि उसके घर में काम करता था, और उनका लीडर है रामा के स्कूल का एक जूनियर कबीर, जो कि एक डॉक्टर है और उस दिन मार्केट में मिला था। स्मगलिंग का मेन हेड विराज, जो कि हांगकांग में रहता है, वो अपनी 4000 टन का माल सीसाचलम पोर्ट के थ्रू बेंगलुरु भेजना चाहता था और इंडिया में इस ऑपरेशन को अंजाम देने में उसका मदद कर रहा था एसपी देवानंद। पर बाद में देवानंद अपने लालच के कारण उसी 4000 टन माल को खुद हड़पने के लिए उन सारे ट्रांसपोर्टर्स इंक्लूडिंग वर्मा को अपने किलर ग्रुप कबीर के साथ मिल के मरवा दिया और उन्हें कंटेनर्स के साथ जंगल में दफना दिया और माल को कहीं और छुपा दिया ताकि बाद में मामला ठंडा होने के बाद उन माल को निकाल के डायरेक्ट बेच के अच्छा मुनाफा कमा सके। उस रात वर्मा के साथ सुरेंद्र था, इसलिए बेकसूर सुरेंद्र को भी ट्रांसपोर्टर समझ के उन्होंने मार दिया था। साथ में देवानंद उन मजदूर लोगों को जंगल में सरकार की ध्यान भटकाने के लिए मारा था। उस दिन मार्केट में रामा पर जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें असल में देवानंद कबीर को अपने रास्ते से हटाने के लिए भेजा था। कबीर रामा के सामने खड़ा था, इसलिए रामा को लगा था कि गुंडों ने उस पे हमला किया। जब रामा ने गुंडों को मारा था तो उनमें से एक ने डर के मारे उसे कबीर का फोटो दिखा के बता दिया था कि असल में वो कबीर को मारने आए थे। इसके बाद पुलिस जंगल के अंदर खुदाई करके उन्हें मिसिंग लोगों की डेड बॉडीज निकालते हैं और रामा कबीर के अड्डे पर जाता है। कबीर बताता है कि वो एक दिन रामा के घर गया था उसे मारने के लिए, पर उस टाइम वो घर पर नहीं था, लेकिन रामा के फादर ने उसे देख लिया था, इसलिए कबीर ने ही उनका दम घोट के उन्हें मार दिया था। फिर रामा उसे और उसके पूरे टीम को मार के एक वैन में डाल के उसी बुजुर्ग आदमी के पास लाता है, तो वो आदमी अपने हाथों से उन्हें जला देता है। मालिनी को सुरेंद्र का और उस बुजुर्ग आदमी को उनके दो बेटे का डेड बॉडी सौंप दिया जाता है। रामा की वजह से जमी को देवानंद का छुपाया हुआ 4000 टन माल का लोकेशन पता लग जाता है कि उसने वो माल कर्नाटक बॉर्डर के पास जो लेक है वहाँ छुपाया है। फिर विराज मुंबई आता है और जमी, जो कि विराज के लिए काम करता है, उसे माल का लोकेशन बताने के लिए जाता है, पर विराज को ये बात दो दिन पहले ही अपने आदमियों के थ्रू पता लग गया था। एसपी इंडिया छोड़ के भागने की कोशिश करता है तो विराज उसे पकड़ के मार डालता है। पर रामा अब एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का ऑफिसर बन गया होता है, इसलिए वो उस 4000 टन माल को विराज के लोगों को हाथ लगाने नहीं देगा, जिस कारण विराज रामा को मारने के लिए उसके पीछे गुंडे लगा देता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। पर जैसे कि हमें पता है कि रामा शक्तिमान है, इसलिए शायद उसे कुछ नहीं होगा, पर मूवी के एंड में ये दिखाया नहीं गया। पर जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलता है आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।